सारे बच्चों को राधे कृष्ण। तो हम लोग आज टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमने एक्चुअली एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था और काफ़ी हद तक पढ़ा भी दिया था। आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल का हम लोग टॉपिक देखेंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का एक कॉन्सेप्ट हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, जो हमने इसके पहले डायपोल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसमें। इसमें हम लोग डायपोल के द्वारा पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसमें, इसमें हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों में फर्क है। तो इसमें डायपोल द्वारा पोटेंशियल क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम तैयार किया है, फिगर तैयार किया है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक सिस्टम लिए हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये सब लोग जानते हैं कि जब भी टू इक्वल और अपोजिट चार्ज, जब भी टू इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और उनके बीच की डिस्टेंस 2a, यानी ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो 2a, ठीक है, तो ये डायपोल बनाता है। जब भी इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच में 2a का डिस्टेंस हो और ऐसा सिस्टम अगर हमारे पास हो, तो ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हम लोग लेते हैं, हम लोग माइनस क्यू से प्लस क्यू के साइड लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पी जो है वो हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू हो गया, पी क्या हो गया हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे हमको डायपोल का की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं पी। यहां पे मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट पे हमको डायपोल की वजह से, इस पी पॉइंट पे हमको डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो ये प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो हम आर वन मानते हैं, प्लस क्यू से डिस्टेंस आर वन मानते हैं, कहां तक की, पी पॉइंट तक की। माइनस क्यू से हम डिस्टेंस आर टू मानते हैं, कहां तक की, पी पॉइंट तक की। यानी प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर वन, माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर टू, और ये डायपोल है हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a। तो ठीक मिडिल पॉइंट पे आएंगे तो मिडिल से लेफ्ट साइड a, मिडिल से राइट साइड भी a, यानी ये पॉइंट जो है ये पॉइंट भी a हो जाएगा, और उसी तरह ये पॉइंट भी हमारा a हो जाएगा, क्योंकि 2a टोटल डिस्टेंस है, तो आधा आधा यानी a प्लस a और a। तो क्या क्या हमने अभी तक जाना, समझ लेते हैं। हम एक डायपोल लिए हैं, डायपोल यानी इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, उस डायपोल के द्वारा हम किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। उस पॉइंट P से, उस पॉइंट P की, उस पॉइंट P की जो दूरी है प्लस Q से वो R1 है, और माइनस Q से जो दूरी है वो R2 है, और ठीक सेंटर से उस P पॉइंट तक की दूरी हम ले रहे हैं R। तो होगा क्या कि अगर हम पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल की अगर हम बात करें, एकदम ध्यान से आप लोग सुनिएगा, तो पोटेंशियल POTENT पोटेंशियल ड्यू टू V1 या पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू की अगर हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q upon ये डिस्टेंस R1, और स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, वीडियो में, कि पोटेंशियल के केस में आर स्क्वायर खत्म हो जाता है, सिर्फ आर बचता है, तो ये हो गया। उसी तरह पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस है पी की, आर टू, तो ये हो जाएगा आर टू, और माइनस का साइन भी लग जाएगा, माइनस का साइन भी लग जाएगा क्योंकि ये माइनस की वजह से, यानी कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल विल बी
V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, लेकिन ये माइनस का है तो यहां पर माइनस का साइन हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, चलो प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 माइनस का 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया मैंने, चलो Q को भी कॉमन ले लिया, तो Q 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। तो हमारा एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन अब इसमें मुद्दे की बात यह कि ना हमें R1 पता है ना तो हमें R2 की वैल्यू पता है, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या होगा, ये Q भी हमको पता है, ये हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू पता है। हमको अब क्या करना है, अगर हमको टोटल एक्सप्रेशन अच्छे से निकालना है तो हमें 1 बाई आर वन और 1 बाई आर टू पता करना है, तो यानी इस डेरिवेशन का नेक्स्ट टारगेट जो है वो यही होगा कि हम 1 बाई आर वन और 1 बाई आर टू निकालें। तो 1 बाई आर वन और 1 बाई आर टू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आर वन और आर टू। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आर वन और आर टू हमको दिख रहा है, तो R1 R2 निकाल लेंगे, फिर उसको बाई में कर देंगे तो 1 बाई R1 1 बाई R2 निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं R1 निकालना, तो उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे ताकि मैं इसको मिटाऊं। तो एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, जो लोग मैथ के बच्चे होंगे वो 11th में इसको निश्चित रूप से पढ़े होंगे, जो लोग बायो के बच्चे होंगे वो समझ लेंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। किसी भी ट्रायंगल में मैं मान लेता हूं ये कोई ट्रायंगल है, इसकी साइड है ए, ये है बी और ये है सी, और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो साइन मैथ के बच्चों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग पढ़े होंगे साइन को साइन रूट, ट्रायंगल का एंगल निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे मान लेता हूं मैं ये कोई ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये साइड हो गई हमारी ए, ये साइड हो गई बी और ये साइड हो गई सी। तो थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा से जो साइड इंक्लूडेड है, थीटा से कौन सी साइड इंक्लूडेड है, ए और सी, ध्यान से सुनिएगा, कॉस थीटा ले रहे हैं तो थीटा से जो भी साइड इंक्लूडेड है, थीटा से कौन सी साइड इंक्लूडेड है, ए और सी, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो साइड नहीं इंक्लूडेड है उसको माइनस कर देंगे, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू ए इंटू सी जो साइड इंक्लूडेड है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि 11th के मैथ में पढ़ाया गया था, इसके अब इसके डेरिवेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं बस रिवीजन के लिए इस फॉर्मूले को बता दिया हूं, क्योंकि एक्चुअली अब हमारे को इस ट्रायंगल में, यहां पर देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये Q से P तक गया और ये P से जो आ रहा है O तक, यानी Q P O एक तरीके से हम देखें, तो ये हमारा एक पहला ट्रायंगल हो गया और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल हो गए। अब ये दो ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, तो हम लोग लगाते हैं कॉन्सेप्ट। तो अब होगा क्या कि ध्यान से देखिएगा, cos थीटा मैं इसमें लगा रहा हूं तो सेम इसी फॉर्मूले पर लगाऊंगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा से कौन कौन से एंगल इंक्लूडेड है, साइड इंक्लूडेड है, इस थीटा से ए इंक्लूडेड है और आर इंक्लूडेड है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या इंक्लूडेड नहीं है, आर वन इंक्लूडेड नहीं है, तो माइनस का आर वन स्क्वायर अपॉन टू ए आर। ये हम लोगों को कोसाइन या साइन के फॉर्मूले से पता चल गया, साइन के फॉर्मूले से। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताया था और उसको ऊपर लिख दिया। तो यहां से हम लोगों को एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गई कि cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 का होल r1 स्क्वायर अपॉन 2ar। तो यहां से हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है r1 निकालना, तो r1 को एक साइड हमको करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 2ar को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2ar cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का आर वन स्क्वायर। आर वन निकालना है हमको, क्या निकालना है आर वन, तो हम इसको इधर ले आते हैं
लेफ्ट साइड और 2ar cos थीटा को राइट साइड ले जाते हैं। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला निकल गया है वो आएगा r1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का 2ar cos थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। क्या आ गया? बहुत आसानी से हमको निकल के आ गई कि r1 की वैल्यू कितनी होगी, r1 स्क्वायर की सॉरी वैल्यू कितनी होगी। ठीक उसी तरह अगर हम r2 में निकालना चाहें ठीक उसी तरह, तो ठीक हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, आप लोग भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली r2 स्क्वायर की अगर हम बात करें ठीक इसी तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे ये पहला ट्राइंगल में हमने ये निकाला, उसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेकर के हम r2 निकाल लेंगे। क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अब cos 180 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि माइनस 1 होती है, तो बस साइन में अंतर आ जाएगा और कोई घबराने की बात नहीं है। ये थीटा है तो ये पूरा लीनियर पेयर होगा ना 180 डिग्री का, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब मैं ध्यान से r2 की वैल्यू लिख रहा हूं, आप लोग उसको देखिएगा। तो r2 की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, जो cos थीटा के साथ इंक्लूडेड होगा उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमको r1 और r2 की वैल्यू तो मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है उसको हम लोग देखते हैं कि अब एक एक चीज को सॉल्व कर रहा हूं। आर वन स्क्वायर अभी हमको मिला है लेकिन हमको चाहिए 1/r1, तो 1/r1 चाहिए, तो उसके लिए पहले हम आर वन निकालते हैं। आर वन निकालने से पहले एक हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि यहां भी आर स्क्वायर है यहां भी आर है, तो हम आर को कॉमन ले लेते हैं या आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर इक्वल टू, पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। तो ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ar सॉरी 2a cos थीटा अपॉन r। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बच जाएगा अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर हम लोग यहां पे गौर से देखें तो a से काफी बड़ी है r की वैल्यू, a से काफी बड़ी है r की वैल्यू, तो अगर r बाई में है तो वैसे ही छोटा हो जाएगा। छोटे क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो और छोटा, तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो नेग्लेजिबल हो जाएगी, नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा आर वन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। ये तो हमारा बन गया कॉन्सेप्ट। अब स्क्वायर हमको r1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे। तो जब दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा r1 इक्वल टू r और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। ये r स्क्वायर था तो अंडर रूट से r हट गया, मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कर गया तो r बच गया। अच्छा, इस अंडर रूट को हम अंडर रूट ना लगा करके ऊपर पावर में हाफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख सकते हैं, नियम है, रूल है, लिख सकते हैं आराम से। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे हाफ, तो ये अंडर रूट का मतलब ही होता है हाफ। तो हो गया, क्या हो गया हमारा, आर वन इक्वल टू आर वन माइनस टू ए कॉस थीटा आर के पावर हाफ, ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। इसको एक बार और अच्छे से अगर थोड़ा सा लिख देते हैं तो, या अच्छे से लिखा हुआ कितना अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम आर टू की बात करें तो आर टू हो जाएगा हमारा आर वन प्लस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर, ऐसा आ गया आर टू इक्वल टू आर ब्रैकेट में वन प्लस टू ए कॉस थीटा अपॉन आर के पावर 1/2। R1 और R2 दोनों आ गया। अच्छा, R1 R2 तो आ गया, हमें चाहिए क्या था, हमें R1 और R2 तो चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था 1/R1 और 1/R2।
तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग बाई में भेज देंगे। तो वो करेंगे तो क्या होगा देखते हैं इधर। अब हम लोगों का काम एकदम आसान हो गया बस मैथमेटिकली। तो R1 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 बाई R1 में, तो जाहिर सी बात है सारे चीज नीचे चले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 बाई R। और ये चीज हम ऐसे ही लिखते हैं चूंकि 1 माइनस 2 a cos थीटा अपॉन R, और ये पावर जो 1 बाई 2 था वो माइनस का 1 बाई 2 लिखते हैं तो काम हमारा चल जाएगा। ठीक उसी तरह ये 1 बाई R2 ये हो जाएगा 1 बाई R और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 a cos थीटा अपॉन R, और ठीक इसको भी माइनस का 1 बाई 2 लिख दें तो इसका मतलब ये कि ये नीचे चला गया, जैसे कि ये और ये चले गए, ये और ये चले गए। तो पावर 1 माइनस का मतलब ये कि वो डिविजिबल यानी कि बाई की क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है। इसको डिनोमिनेटर में भेजे तो ये भी डिनोमिनेटर में चला गया, और इसको डिनोमिनेटर में दिखाने का सिंपल सा तरीका था कि जो हमारा पावर प्लस में था उसको हम नेगेटिव में कर दिए, जो हमारा पावर यहां भी देखिए प्लस में था उसको हम नेगेटिव में कर दिए। तो ये अंडरस्टूड है कि ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में चली गई, ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में चली गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बाइनोमियल बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम तो जनरली बहुत बड़ा है, एक पूरा चैप्टर ही है इस पे 11th में, लेकिन हम लोगों को सिर्फ यहां पे इतना समझना है कि बाइनोमियल थ्योरम का में जो पावर होता है वो हमारा एक्सप्रेशन के साथ प्रोडक्ट में आ जाता है। बस यहां पे इतना यूज करना है, इतने कॉन्सेप्ट को यूज करना है, यानी कि 1 प्लस एक्स एन अगर कुछ इस तरीके का है तो यहां पर बस हमको इतना यूज करना है कि वो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हमको बस इतना ही टर्म हमको यहाँ पे जानना है, बस इतना ही हमको बाइनोमियल का यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने के बाद क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन इसके साथ जो है इनटू हो जाएगा, यहां भी इसके साथ ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 बाय आर वन इक्वल टू 1 बाय आर वन माइनस, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन समझना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। 1 माइनस ये वेरिएबल है तो इसी के साथ हम इंटू करेंगे, और माइनस साइन के साथ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 इंटू 2 ए कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया एक्सप्रेशन 1 बाई आर 1 इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस ए कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये हम लोगों को यहां से 1 बाई आर 1 की वैल्यू पता चल गई। सिमिलरली अगर हम माइनस का यहां पे इंटू करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो उसी तरह ये 1 बाई आर 2 क्या हो गया 1 बाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर। अब हमारा 1 बाई आर 1 भी आ गया और 1 बाई आर 2 भी आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग वैल्यू रख देंगे, किसमें वैल्यू रख देंगे, जो हमने पहले इक्वेशन निकाला था, कौन सा इक्वेशन निकाला था हमने, जो इक्वेशन एक निकाला था कि v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था इसमें हम लोग 1 बाई आर 1 और 1 बाई आर 2 निकालने के लिए इतनी मेहनत किए हैं, जो कि हमारा आ गया है। इसमें 1 बाई आर 1 और 1 बाई आर 2 की वैल्यू हम लोग आराम से रख देंगे। तो जब आर 1 और आर 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई आर 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई आर 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1 बाई आर 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। 1 बाई आर को बाहर निकाल देंगे दोनों एक्सप्रेशन से क्योंकि वो कॉमन है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ब्रैकेट में बच जाएगा क्या 1 प्लस a cos थीटा अपॉन आर
माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है बच्चा लोग, ए कॉस थीटा अपॉन आर। तो यहां से वन और वन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए कॉस थीटा अपॉन आर। तो v इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बाहर निकल गया था और ये हो गया टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर टू ए कॉस थीटा अपॉन आर। एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे टू ए कॉस थीटा, अब बाहर भी आता अंदर भी आर है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इनटू होगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा q 2a cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पोटेंशियल में हम लोग निकाले थे कि सिर्फ r आ रहा था, लेकिन जब हम पोटेंशियल डायपोल के लिए निकाले तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया r स्क्वायर। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा, फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आ गया और वो क्या है 2aq। और हम लोगों को पता है कि 2aq क्या होता है, 2aq जो होता है वो डायपोल मोमेंट p होता है, तो p लिख देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब cos थीटा से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसकी भी हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी तुरंत, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो cos थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो करते हैं तो वन आता है, अगर हम cos थीटा 180 करते हैं तो माइनस वन आता है, लेकिन अगर हम cos थीटा 90 कर देते हैं तो हमारी वैल्यू जीरो आती है। यानी कि अगर हम पोटेंशियल 90 डिग्री पे निकालना चाहें तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर हम पोटेंशियल थीटा या सॉरी 90 डिग्री पे निकालना चाहे तो जीरो मिलेगी, लेकिन अगर हम पोटेंशियल 0 डिग्री या 180 डिग्री पे निकालना चाहे तो हमको उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। पहला तो हमको ये कंक्लूजन समझ में आ गया कि भैया पोटेंशियल 90 डिग्री पे हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और हमको जीरो और 180 डिग्री पे पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा। और दूसरी वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, दूसरा कंक्लूजन जो हम लोग निकाले हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज जो होगा वो 1 बाई आर के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बल्कि पोटेंशियल जो डिक्रीज होगा वो 1 बाई आर स्क्वायर के टर्म में होगा, क्योंकि यहां पे वही रिप्रेजेंट किया है। तो यहां से दो कंक्लूजन निकला, किस टॉपिक से दो कंक्लूजन निकला, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या दो कंक्लूजन निकला कि पहली बात तो जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा वो 1 बाई आर के रिस्पेक्ट में नहीं होगा बल्कि 1 बाई आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा। दूसरा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम निकालना चाहें तो cos थीटा का फंक्शन जुड़ा हुआ है, cos थीटा का फंक्शन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री पे जीरो होगा और 180 और 0 डिग्री पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमको पोटेंशियल की मिलेगी। और इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है वो सिर्फ डिस्टेंस पे या डायपोल के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एंगल पे भी डिपेंड करता है। को किस एंगल पे डिपेंड करता है, जो पोटेंशियल डायपोल जो है वो बनाता है या डायपोल का सिस्टम जो बनाता है उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो थैंक यू क्लास फॉर दिस लेक्चर।